हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंकस्केप के स्प्रे कॉपी टूल्स के बारे में। तो इसके लिए पहले हम कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हम इसको ऑब्जेक्ट एक बना लिया, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्प्रे कॉपी पे जाएंगे। और स्प्रे कॉपी पे जाने के बाद यहाँ मोड दिया गया है, मोड पे हम कॉपी स्प्रे कॉपी करेंगे तो हमारा इस प्रकार से इसकी अलग अलग कॉपी बन के इस प्रकार से बन जाएंगी कॉपी। ये हमारा इस प्रकार से कॉपी बन रहा है, इसको हम 0 0 कर देंगे, फिर हमारा ये नहीं होगा। इसको हम आगे भी बताएंगे किस प्रकार से होगा। ये अगर हम करेंगे देखिए हमारा सीधा सीधा कॉपी बन रहा है। उसके बाद कंट्रोल जेड करेंगे, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इस पे करेंगे। और हम इसके ओरिजिनल वाले पे और हम कोई कलर चेंज करेंगे तो हमारा सारे पे कलर चेंज हो जाएगा। जब भी पहले वाले ऑप्शन पे ये चीज नहीं थी, अगर हम पहले वाले ऑप्शन की बात कर लूँ तो कंट्रोल जेड किया और स्प्रे पे गए, पहला वाला ऑप्शन लिया, उसके बाद कॉपी बनाया। उसके बाद इस पे हम जा करके इसका हम कलर चेंज करेंगे तो हमारा सिंगल एक ही कॉपी पे जिसपे हम क्लिक करेंगे केवल उसी पे कलर चेंज होगा। उसके बाद फिर से हम कंट्रोल जेड किया, वापस आए, फिर से हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी लिया, कॉपी लेने के बाद इस पे आएंगे, स्प्रे ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल पाथ। यहाँ से हमारा सिंगल पाथ बना देगा इस कुछ इस प्रकार से अगर हम करेंगे, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये देखिए कंट्रोल जेड, इसको लिया कुछ इस प्रकार से हम बना देंगे। उसके बाद से हम इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा देखिए पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जब भी पहले वाले में ऐसा नहीं था, इस वाले में और इस वाले ऑप्शन में ये चीज़ नहीं था, केवल सिंगल कॉपी। और हम इस पे जा करके और बनाएंगे, कंट्रोल जेड किया, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। पहले हमने सेलेक्ट करने के बाद कॉपी गए, कॉपी लिया। इसमें देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस पे केवल सिंगल कॉपी ही सेलेक्ट हो गई। ये देखिए जब भी इसमें पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। कॉपी पे गए और इस प्रकार से हम कॉपी बनाएंगे। और हम इसको अब सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी किया, पहले हमने इसको कंट्रोल जेड कर लेना, कॉपी किया, स्प्रे गए, सिंगल पाथ हमने इस प्रकार से बनाया। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा देखिए पूरा पाथ सेलेक्ट हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट में पूरा पाथ बना देंगे। उसके बाद हम अगले ऑप्शन पे देखेंगे। इसको कंट्रोल जेड किया, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद पहले हम इसको कोई कॉपी बना लेता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद हम इस पे डिलीट वाले पे जाएंगे तो अगर हम इस पे करेंगे तो ये देखिए हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, इस टूल से हम डिलीट करने का भी काम करते हैं। उसके बाद इसका मैं साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से अमाउंट भी करके देखोगे फिर पता लगेगा अमाउंट क्या होता है इसको। उसके बाद स्केल, अगर हम इसको 10 कर देंगे, हमने 10 कर दिया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हम कॉपी स्प्रे पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे तो हमारा देखिए इस प्रकार से। और हम इस पे रोटेशन पे जाएंगे, इस पे अगर इतना कर देंगे, उसके बाद इस पर करेंगे तो हमारा देखिए इस प्रकार से रोटेट हो रहा। और यही सेम अगर हम इस पे जाएंगे और इस पे करेंगे, ये देखिए इस पे भी हो रहा।
क्योंकि हमने यहाँ रोटरेटर में इतना लगा रखा है। ओके, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद ये देखिए इस प्रकार, उसके बाद इस पे जाएंगे, इस पे करेंगे तो हमारा इस प्रकार से बना। उसके बाद कंट्रोल जेड जेड किया, उसके बाद हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी पे गए और इस पे आए, इस पे देखें इस पर किया हमने तो हमारा ये देखिए इस प्रकार से, क्योंकि रोटरेटर में हमारा इतना है। उसके बाद हम अगर इस पे जाएंगे, इस पे करेंगे तो हमारा देखिए सिंगल सिंगल रोटरेट हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार से अलग अलग रोटरेट होके बन रहा है। उसके बाद इस पे गए, इस पे देखेंगे, ये देखिए इस पे अलग अलग रोटरेट होगा। ये देखिए हर हर बार जितनी कॉपी बनाएगा सारी कॉपी अलग अलग प्रकार से रोटरेट होंगी। ये कॉपी ऐसे बनी, ये ऐसे बनी, ये ऐसे बनी। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।